नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन का जो है ना स्पीकर जो है कैसे स्पीकर का आवाज़ बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हम जैसे फ़ोन को यूज़ करते जाते हैं ना, फ़ोन को यूज़ करते करते जो है फ़ोन थोड़े पुराने होने के बाद जो है स्पीकर भी जो है थोड़ा बहुत कम आवाज़ देने लगता है। आप बताओ कमेंट में कि आपका स्पीकर सही आवाज़ दे रहा है या अभी भी मतलब प्रॉब्लम है उसमें। तो आप जो अपने स्पीकर का आवाज़ जो है बढ़ा पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर देना यार। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना आप अगर ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं, जल्दी से फटाफट लाइक कर दो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो, और घंटी अपडेट को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को देखिए शेयर का बटन जो है ना शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं वो अपने स्पीकर के आवाज़ को जो है इनक्रीज़ कर पाएंगे और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे कमेंट भी कर दें बेस्ट ट्रिक या फिर साउंड ट्रिक। तो जैसे आप म्यूजिक वगैरह डेली सुनते होंगे तो नॉर्मल आवाज़ आपको जो है सुनाई पड़ता होगा। ऑब्वियसली फ़ोन थोड़ा ओल्ड होने के बाद होता भी है, धीरे धीरे स्पीकर में प्रॉब्लम और साउंड जो थोड़ा बहुत बैठ जाता है। तो ऐसे में आप जैसे कि देखिए मैं भी गाना सुन रहा हूँ, तो आपको एक एप्लीकेशन जो है ना चाहिए होगा आपके फ़ोन में, तो मैं उस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल कर देने के बाद ओपन करना है आपको। ओपन करेंगे तो आपको कुछ परमिशन आएगा, जिसे देखिए मेक योर फोन वॉल्यूम लाउडर, इस तरह से ऑप्शन, तो इसे स्किप करते हैं। और ये देखिए स्टार्ट माई ट्रायल, इस तरह से, तो इसे कट करके ओपन करें। और ये ओपन हो जाने के बाद आपको इस तरह से मिलता है, तो इसे सॉरी यहाँ पे आपको अच्छे से कट करना पड़ेगा। कॉर्नर में देखिए एक कट का बटन है, उस तरह से कट कर देने के बाद ओपन कर दें। और ये देखिए आपको पॉपअप होके एक विंडो यहीं पे खुल जाता है, और यहाँ से बूस्ट कर सकते हो अपने वॉल्यूम को 200% तक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 200% तक। तो यहाँ पर मैं आपको एक सेफ्टी के लिए बातें बताना चाहूँगा, जैसे ये देखिए बूस्ट है ना, तो यहाँ पर आप पूरा वॉल्यूम आप ना दें तो ठीक रहेगा। आप सेटिंग में जाओ सबसे पहले, जैसे मैंने सेटिंग ओपन किया, सेटिंग ओपन करने के बाद ना आपको मिल जाता है मैक्सिमम अलाउड वॉइस का जो है ना आवाज़, जो मैक्सिमम अलाउड बूस्ट जो है ये आपको मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और ये आपको ऑन भी कर देना है। और यहाँ पे देखिए 100% है और यहाँ पे 80% है, तो यहाँ पर आपको 80 पे ही रखना है, ज़्यादा करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, आवाज़ अच्छा नहीं देगा। और वो देने के बाद ना यहाँ पे देखिए बूस्ट में आपको आ गया, डबल वॉल्यूम आ गया, और बूस्ट को मैंने जो है 48% रखा और वॉल्यूम जो है नॉर्मली आप जितना रखते हो उतना रख सकते हो, लेकिन ये बूस्ट जब करोगे ना तो आपको मैं सजेशन दूंगा आप 80 के आसपास रखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जो स्पीकर का जो आवाज़ ना वो बढ़ जाएगा। आप इसको यूज़ करके कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा बेस्ट साउंड ट्रिक या फिर स्पीकर ट्रिक, जरूर कमेंट करो और अपना नाम भी कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।